सबसे पहले एक काम ये करेंगे, टेलविन का सेटअप करते हैं। टेलविन का सेटअप करने के लिए हम ये वाला भी यूआई बनाने वाले हैं, ठीक है ना, ताकि क्लियर हो जाए। देखते हैं जितना बन जाएगा उतना बना लेंगे। 2 दिन लगेंगे 2 दिन में बना लेंगे, 3 दिन लगेंगे 3 दिन में बना लेंगे, लेकिन उतना हम बनाएंगे। आप लोगों को बस समझ में आ रहा हो, बस ऐसा नहीं ऊपर से जा रहा हो तो यू भाई 2 घंटे हैं ना असल में हमारे पास। वो तो आपकी बात ठीक है, देखो मैं तो रॉकेट बन के काम करूंगा, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं खुद बनाऊंगा तो ये 3 घंटे 4 घंटे का काम है। हाँ तो इतना ज़्यादा कोई बड़ा घंटे का काम नहीं, वो सिखाने के हिसाब से बता रहा हूँ ना मैं, क्योंकि अब मैं तो एक एक करके दिखा दिखाई करूँगा। मैं आऊँगा, मैं तो बाहर पर जाके स्क्रीन नहीं देखूँगा, मुझे पता बाहर क्या बनकर आ रहा होगा। बात वो आएगी ना सारी जी। डार्क वाला कौन सा? ये वाला, ये हम नेट से उठा लेंगे, मसला नहीं है। ये रहा, वो तो यहाँ पर भी मिल जाएगा, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो उठा लेंगे। येलो एक्सपोर्ट कंट्रास्ट कर लिया, इसको सीधा यहाँ पर आते हैं। टेलविन का फोल्डर है ना हमारा, इमेजेस आइकन, और यहाँ पर आके इसको ये इसमें क्यों दे रहा है, इस फॉर्मेट में क्यों दे रहा है ये? इग्नोर ओवरलैपिंग लेयर, इंक्लूड आईडी, नहीं एक्सपोर्ट, इस पर क्लिक करा, एक्सपोर्ट करा, बस जाने दे भाई। अच्छा अभी हमें यहाँ पर ये वाला हम डिज़ाइन रेडी करेंगे। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, टेलमेंट की वेबसाइट पर जाते हैं। सबसे पहला मेन काम जो होगा वो टेलमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। टेलमेंट से नेट होना चाहिए, नेट 24 घंटे ऑन रखना है बस। और पोस्ट सीएसएस पर आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, और टेलमेंट कहाँ है हमारी, MWS, ये रही। यहाँ पर अगर देखते हैं अगर कोई जावास का काम हुआ तो कर लेंगे। यहाँ पर हमारी सारी CSS तो इसमें खैर होगी नहीं, एक ही फाइल होगी जो कि बनाना ज़रूरी है, वो इसमें रख देंगे। बकाया यहाँ पर हमारा सारा काम हो रहा होगा HTML की फाइल में, ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट की नीड हो तो मैं बोल रहा हूँ कर लेंगे, CMD करा। यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक काम ये करेंगे, NPM कौन सी कमांड चलाएंगे, init माइनस वाई, ठीक है ना। ये हमने कमांड चला ली, वाई का मतलब क्या है कि जितने भी सवाल वो करेगा यस यस करते रहो बस, ठीक है ना। अब उसके बाद जो टेलविन की कमांड थी उसके साथ हम कौन सी चलेंगे, वेट की कमांड चला लेंगे। यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके अलावा हमें करना क्या है, इधर आते हैं, इस वाली कमांड को कॉपी करेंगे, इसके साथ एक और कौन सी कमांड ऐड करेंगे, माइनस पी की कमांड ऐड करेंगे, ठीक है ना। और इधर मैं आकर CSS में आता हूँ, इधर आके CSS में एक फाइल बना लेता हूँ, style.css, और इधर एक HTML की फाइल बना लूँगा बिल्कुल बाहर, index.html करके फाइल बना ली। यहाँ पर इसकी बॉयलर प्लेट लग जाएगी, और यहाँ पे लिख लेंगे फुल स्टैक डेवलपर पोर्टफोलियो पर पोर्टफोलियो, ठीक है। और इधर आके CSS को कनेक्ट कर लेंगे, कहाँ पर है CSS, CSS के अंदर स्टाइल शीट, ठीक है। और इधर आते हैं, इधर पैकेज डॉट जेसन में आया, पूरा सेटअप बना बनाया मिल गया। इधर आके क्या करेंगे, इधर लिखेंगे डेव और इधर वेट लिख देंगे, ठीक है। ये वेट के ऊपर हम चला रहे हैं, और ये वेट वगैरह हो गई, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। पेस्ट करा, माइनस पी चला देंगे। इसके बाद यहाँ पर है टेलविन की फाइल अभी बनकर आएगी, इसके अंदर क्या करना है, स्टार लगा देंगे, ठीक है। और पोस्ट सीएसएस में कुछ भी नहीं करना है, सारा काम रेडी है हमारा। इधर आते हैं, थोड़ा इसको स्क्रॉल करके इसको कॉपी करा, स्टाइल फाइल में आकर पेस्ट करा, और इसके अलावा
npm run dev की कमांड कॉपी करी, चला दी, सही है जी। क्या? हाँ हाँ, अब नहीं देगा वो, अब नहीं देगा, अब तो इंस्टॉलेशन कर लेना है। नहीं आ रही थी ना वार्निंग, तो ख़त्म हो गई ना वार्निंग, मतलब वार्निंग आपके पास आ रही थी या नहीं आ रही थी? आ रही थी नहीं, वो मसला ये होगा कि आपने टेलमेंट सेसेस जो बना के काम करा होगा ना, जो लिंक लगाकर, वो उसकी वार्निंग आ रही होगी। लिंक लगाकर पहले वाली भी फाइल सेव हुई भी होगी ना, वो उसकी वार्निंग आ रही होगी। अभी देखो मैं इसको चलाता हूँ, देखते हैं कोई वार्निंग आ रही है क्या। मैं इधर आया, यहाँ पर आके लोकल होस्ट चलाते हैं इसका, लोकल होस्ट 5173 के ऊपर इसको, ये आ गया फुल स्टैक डेवलपर पोर्टफोलियो। और इधर आकर कंसोल में आते हैं, एक बार पेज को रिलोड करते हैं, कोई आ रही है वार्निंग वगैरह? एरर कुछ भी नहीं आ रहा ना, सब क्लियर है ना। तो अभी इधर करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इधर एक H1 लेते हैं, ठीक है? फजर में आ रही हो, ये सारा टेलविन का सेटअप था वो तो निकाल दिया। यहाँ पर H1 के अंदर आकर हम यहाँ पर सबसे पहले एक टेस्ट कर लेते हैं कि टेलविन काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। सारे काम करने से पहले ये करना है, दिस इज टेलविन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये काम नहीं कर रही है तो पहले तो ये ज़रूरी होगा, इसको चेक करना। हमने यहाँ पे क्लास लगा दी और यहाँ पर दे दिया टेक्स्ट 5XL, फॉन्ट इसका बोल्ड होगा, हो गया, मतलब ये तो काम कर रहा है, सही है। इस लाइन को हटाते हैं। अभी हम क्या बनाने वाले हैं, हम सबसे पहले जाते हैं इधर। देखो सबसे पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ये हमारा पास टोटल पूरा एक पेज आ रहा है, ये वाला, सही है ना। इसके अंदर हमें कितने डिव बनाने पड़ेंगे, 3 डिव का काम है पूरी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर जो भी काम हो रहा है 3 डिव के अंदर हो रहा है, बात समझ आ रही है? पूरी वेबसाइट पर जो भी काम हो रहा है 3 डिव के अंदर हो रहा है। एक लेफ़्ट होगा, एक मिड होगा जिसमें पूरी वेबसाइट चलेगी, एक हमारे पर राइट होगा, सही है। और राइट के अंदर भी आप ये देखो पूरा ये एक ही लाइन में चल रहा है, ये मतलब ये नहीं है कि उसको ओवरफ्लो करके मतलब इस साइड पे चलना स्टार्ट हो गया, वो एक ही लाइन में चल रहा है। इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर को थोड़ा सोचना पड़ेगा, सही है। हम इधर आते हैं, सबसे पहले पूरा एक कंटेनर बना रहे हैं जो कि पूरी वेबसाइट के लिए कंटेनर होगा। हमने लिया डॉट, अच्छा डॉट कंटेनर मत लिख देना, क्योंकि कंटेनर नाम की इसमें क्लास है, सही है, कंटेनर नाम की इसके अंदर क्लास है, ये मसला करेगा हमारे लिए। हम मतलब नॉर्मल एक डिव बना लेते हैं यहाँ पे। तो अब ये भी नहीं है कि डॉट कंटेनर कोई सीएसएस तो है नहीं, कंटेनर नाम की क्लास दे दी, क्योंकि टेलविंड है यहाँ पे, तो इसकी खुद की क्लासें होंगी। मैंने एक जो है डिव बना लिया, अब ये हाँ ऐसा कर सकते हैं, बोले मेन कंटेनर, यहाँ से हमारी पूरी वेबसाइट का मेन कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर हमारी जो पूरी वेबसाइट है वो इसी में होने वाली है, सही है। अगर हम बैकग्राउंड कलर जो पूरी वेबसाइट पर हो रहा है वो देंगे इसी के अंदर ही देंगे, सही है। तो सबसे पहले ये वाला कलर हमें चाहिए होगा। इस वाले कलर को किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आगे का ये इसने हमें कलर दिए हुए थे, याद है? ये वाला कलर आप इधर देख लो कि कौन सा है, ये वाला है वो, ऐसा ही है। और इस कलर को निकालने के लिए जी इस कलर को कॉपी किया, ये वाला है ना, ये इस कलर को कॉपी किया और इधर आके अब मुझे कस्टम कलर देना है। इससे पहले इसके खुद के कलर होते थे, स्लेट BG 500 300 200 वगैरह करके ऐसे कलर हुआ करते थे। यहाँ पर कस्टम कलर देना है, हम देंगे BG और यहाँ पर आके हैश लगा के ये कलर डाल देंगे। ये कस्टम काम करने का तरीका है, क्या करने का तरीका है, कोई ऐसा काम जो आप खुद से करना चाह रहे हो, जो इसके पास मतलब ज़रिया ना हो, इसके पास इस टाइप की कोई क्लास नहीं है, तो ये हम खुद से हम याला स्क्वायर ब्रैकेट लाया करेंगे जी, हैगा मैं दिखाता हूँ। अच्छा अभी हमने यहाँ पर क्या करा, एक कलर कर दिया और इधर आते हैं, और अभी कलर के जितना ज़्यादा मेरे ख्याल में कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं कि अप्लाई हुआ भी है या कलर ही ऐसा था वो, तो ये थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ हाइट वेट का भी मसला है, तो पहले तो एक इसकी हाइट दे देते हैं, नहीं सबर तो करो,
बात तो आपकी सही है, बॉडी में भी अगर दे दें तो कोई बुराई नहीं है। इसको कॉपी कर लेते हैं, कट करा इसको, इधर आके क्लास लगा ली, इधर आके पेस्ट कर दिया, हो गया सही है, ये काम तो कर रहा है। चलो अच्छा, अभी दूसरी चीज़ क्या चाहिए, इधर आते हैं, इसको इधर रखने के बाद इस डिव के अंदर हमें 3 डिव बनाने पड़ेंगे, ठीक है, 3 डिव बनाने पड़ेंगे। इसकी विड्थ को तो पहले क्या करना पड़ेगा, फुल। इस फुल का क्या मतलब है, 100%, ठीक है, इस फुल का मतलब है 100%। इसकी हम हाइट नहीं दे सकते, रीज़न क्या है कि हमें नहीं पता कि ये कितनी हाइट की वेबसाइट है, क्योंकि हम तो इसको पूरा एज अ कंटेनर में एज्यूम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें नहीं पता इसकी हाइट कितनी होने वाली है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसकी हम कोई हाइट नहीं दे सकते, हम इसकी विड्थ पे ही काम करेंगे, जो भी काम करेंगे इसकी हाइट ज़रूर दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमें 3 डिव बनाने पड़ेंगे, ये हमारा 1 डिव होगा जिसमें हमारा साइड बार आ रहा होगा, ये 2nd डिव होगा जिसमें मिड आ रहा होगा, ये 3rd होगा जिसके अंदर ये हमारे पास लेफ्ट या राइट वाला आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर, इस डिव के अंदर सबसे पहले तो थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, और हाथ के हाथ हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस करेंगे, ठीक है, हाथ के हाथ इसकी रिस्पॉन्सिवनेस हम कर रहे होंगे, मैंने क्लास लगा ली। अच्छा, हम जो है ना इसकी ऐसा समझ लो कि 20% इसको दे देंगे, ठीक है, और 90 इसको दे देंगे, सॉरी 20 इसको दिया, 75 इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा 95, 5 इसको दे देंगे, ऐसा कर लेंगे, देख लेंगे, सही कर लेंगे भाई, ये पूरा कैलकुलेशन मैंने एक एग्जांपल दिए। हाँ जी, हाँ आप परसेंट में देंगे, बात समझ में आ गई, बोला क्या मैंने। तो सबसे पहले हम एक विड्थ दे देते हैं इसकी, यहाँ पे W नाम की क्लास है, W माइनस, अब मैं विड्थ दे रहा हूँ, देखो 1/2 का मतलब है 50%, 1/2 का क्या मतलब है 50%, 1/3 का मतलब है कि 33%, 33%, ठीक है। आप इस पे ओवर करोगे ये आपको सब कुछ बता रहा होगा, ठीक है ना, ये 33% ले रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर अब इसका मतलब ये नहीं है, 4 ले लो, अगर हम 4 लेंगे तो 4 पे क्या आ रहा होगा, 25% आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें कितनी चाहिए, 25 ही चाहिए मेरे ख्याल में, ऐसा ही है। हम इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए, देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट वाला आ रहा है, इधर जाते हैं ये वाला कलर आ रहा है, इसको कॉपी किया, वापसी से इधर ही आते हैं, और इसके अंदर आके ये वाला BG स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, स्लैश लगा के ये कलर कर दिया। अभी चल के देखते हैं क्या काम हुआ या नहीं हुआ, अभी तो नहीं होगा क्योंकि हमने कोई इसकी हाइट नहीं दी हुई है ना, या इसमें कुछ कंटेंट नहीं डाला हुआ, एक रेंडमली एक हाइट दे देते हम, ठीक है। मैंने बोला हाइट, और इसकी जो हाइट होगी ना वो 100 VH होगी, मैंने फ़िलहाल के लिए स्क्रीन कर दी, स्क्रीन का मतलब है जितनी स्क्रीन है उतनी हाइट आ रही होगी, आ गई, देख रहे हो, हाइट तो इसकी आ गई, लेकिन विड्थ इसकी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, विड्थ को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, 20% करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी क्लासेस ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये वक्त के साथ आपको सब मिल जाएगा, यहाँ पर आके सर्च कर लो WIDTH, बस विड्थ, इधर आके आपको परसेंटेज के अंदर लास्ट में आपको क्लास है 33, 66, 20 आ रही है, 20 से कम 16 आ रही है, 1/6, बस हमें इतने में 16 पे चेक तो करें, बात समझ आ रही है किस तरह से हम ढूंढ रहे हैं, इस तरह से ढूंढनी पड़ेगी। इधर आके इस क्लास को 1/6 कर देते हैं, आई थिंक इतना ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है, सबसे पहले हमें इसको फ्लेक्स लगाना पड़ेगा इसके फुल वाले कंटेनर को, ताकि जितने भी अब हम मज़ीद डिव बनाएं तो वो आगे की तरफ आ रहे हों, अगर नहीं बनाएंगे तो इसके नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे फ्लेक्स, ठीक है, मतलब कि डिस्प्ले फ्लेक्स हमने कर दिया इसको। अभी नीचे वाले के ऊपर काम करते हैं, क्लास सेम काम यहाँ पर होगा, मैं फ़िलहाल के लिए वाली जो है ना स्क्रीन वाली कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमें एक हाइट नज़र आ जाए, एक स्ट्रक्चर मिल जाए, उस पर हम काम करते रहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने ये काम कर दिया और वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। हम क्या करेंगे, इसका जो कलर है, इधर आके देखते हैं, इसका कलर भी तकरीबन सेम वैसा ही है, बस फ़र्क ये है कि इसकी थोड़ा थोड़ा स्पेस आ रहा है जिसकी वजह से हमें क्लियर हो रहा है,
कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। और इसका कलर हम एक काम करते हैं, इसको भी कॉपी करते हैं। ये कलर कौन सा था? ये वाइट से ये वाला लग रहा है। इसको कॉपी किया, इधर आके ये सारा काम क्लास लगाया, बीजी के ऊपर आकर ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है, इसको हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए था? तकरीबन भी या 5 या 10% के करीब होना चाहिए, देख लेते हैं। 16 आ रहा है, 8% आ रहा है, ठीक है। इसको कॉपी करा, 1/12 आ रहा है, ठीक है। हमने बोला विड 1/12, मतलब 8% के करीब हो। और अभी देखते हैं, वो 8 भी इसके ऊपर अप्लाई हो गई है, यहाँ पर आ रही है वो, सही है। अभी एक काम ये करेंगे, इसकी एक हाइट दे देते हैं, स्क्रीन। और दूसरा काम ये करेंगे, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन करते हैं, ताकि जो है ना मामला तो हमारे फिक्स हो जाए। जस्टिफाई बिटवीन हो गया। अच्छा, ये 8% डाला, मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा है, ये सही नहीं लग रहा, सबर करो। हाँ, ये आ रहा है ना, ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है 8%, ठीक है। ये 8% ये आ रहा है यहाँ से, लेके लाइन जो चल रही है इधर हमारा वो आ जाएगा। इस वाले को सेट करना पड़ेगा, इस वाले की करूँगा पूरी स्क्रीन की 1/6 करा हुआ है ना, 1/2 करते हैं, 50% पे देखते हैं कैसा आ रहा है। ये कुछ इतना आ रहा है, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, ठीक है। 66 करते हैं इसको। टेलविंड की वेबसाइट पर आते हैं, इसकी क्लास मिल जाएगी 66% की, गेरी 4/6। ये सब आपको यहीं से ढूंढना पड़ेगा, अगर 83 करना है तो ये कम से कम ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी इधर आते हैं कोड के ऊपर, इधर आके इसको पेस्ट कर दिया, चेक करते हैं कैसा नज़र आ रहा है। ये हमारे लिए सही है, ये हमें भी कुछ इतना स्पेस चाहिए था, और हमारा इसने काम तकरीबन करके दे दिया है। और अगर थोड़ा सा भी इसमें आप भले आप अगर स्पेस ज़्यादा लग रहा है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इसकी विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। हम इसकी विड्थ अगर हम खुद की कस्टम देना चाह रहे हैं, जैसे अभी हमारे हिसाब से कितनी विड्थ आ रही है, 66 आ रही है जी, नहीं साइड वाइड में से स्पेस नहीं देंगे, कहीं से भी स्पेस नहीं होगा। अभी ये 66 आ रही है ना, हमें काम करते हैं इसको 70 दे देते हैं। अब 70% देनी है खुद की कस्टम, तो इस तरह से ही दे सकते हैं, हम ऐसे ही देंगे ना, कस्टम दिए ना, अब ताकि स्पेस थोड़ा सा साइडों से और कम हो जाएगा, स्ट्रक्चर रेडी हो गया। तो हमें इस तरह से काम करना पड़ेगा। और इसकी थोड़ी विड्थ ज़्यादा आ रही है, मैंने पहले ही बोला था कि जो है ना ज़्यादा लग रही है, हाँ मैंने 8 आ रहा है ना इसमें से, तो मैंने 5 का अंदाज़ा सही दिया था ना, 5% सही है। हाँ वो स्पेस आ रहा है, हम इसको और बढ़ा लेते हैं, 73 कर लेते हैं। अगर 3 वहाँ से कम करें तो 3 इसमें डाल दिए हमने, एडजस्ट हो जाए पूरा सही है, पूरी कैलकुलेशन का हिसाब रखा हुआ है, समझ रहे हो बात को। अच्छा भाई, यहाँ पर अभी करने के वाले हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर कंटेंट ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक इमेज चाहिए होगी, अच्छा इसको हम डिव वाइज तोड़े ना, अगर जैसे हम बॉक्स के हिसाब से तोड़ें इसको, तो ये पूरा जो लाइन आ रही है ये ऊपर का पूरा एक बॉक्स है, ये नीचे वाला पूरा एक डिव आ रहा है, ये वाला पूरा एक डिव आ रहा है, इससे नीचे वाला एक डिव आ रहा है, ठीक है। इसको हम बॉक्स वाइज तोड़ते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले को रेडी करने की कोशिश करते हैं। इधर आया, इसमें अभी किसी का कोई सवाल है? ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्सिव भी हम जो हाथों हाथ इसको करते रहेंगे। सबसे पहले तो सही है, ये डिव हो जाएगा। इसके अंदर मुझे एक डिव लेना पड़ेगा, जिसके अंदर एक इमेज होगी, और इमेज के लिए .forward/ इमेज पे जाऊंगा, और यह हमारे पास प्रोफाइल आ जाएगी, सही है। यह हमारा प्रोफाइल आ गई, यहाँ पर आके हमने बोला अगर नहीं हुई तो, वरना तो लोडिंग हो जाएगी, बात समझ आ रही है। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक H3 चाहिए होगा, एक P चाहिए होगा, कुछ आइकन्स चाहिए होंगे, एक H3 हो गया, और जिसमें हम लिख देते हैं किसका नाम लिख दें भाई, नहीं यार मेरा फेमस हो जाऊँगा, रश लगाए खड़े हो जाएंगे, मसला ये आएगा, इसी का लिख लेते हैं, सही है बस, जो भी नाम है ठीक है। अच्छा भाई, फ्रंट एंड डेवलपर, इधर आते हैं पी के ऊपर, फ्रंट एंड
आप लोग इसको बनाना और घर पे आके अपनी जगह पे इसका सारा कंटेंट हटा के अपना जो है ना ऐड कर देना। फ्रंट एंड डेवलपर सही है, परफेक्ट है। अभी इसको बाहर चल के देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। हम इसके ऊपर एक बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि हमें खुद को क्लियर हो रहा हो कि ये आ कैसा रहा है। बॉर्डर बॉर्डर सही है, ये कुछ इतना बड़ा आ रहा है। इसकी एक हाइट डिफाइन कर देते हैं, हमने बोला इसकी जो हाइट होगी ना कितनी करें देखते हैं। यहाँ पर 80 पिक्सल ज़्यादा, 80 कितना होगा, 80 से ज़्यादा करते हैं 128, 144, 144 कम हो रहा है। इसको एक काम करते हैं 52 करते हैं, 52 के ऊपर से और ज़्यादा करना पड़ेगा, 56 सही है, 56 सही है। इसको बल्कि और ज़्यादा करना पड़ेगा, हाँ आइकन्स भी तो आएंगे ना। 56 से अगर नीचे जाएँ तो अभी 224 आ रहा है ना, एक काम करते हैं 64 के ऊपर 256 देखते हैं कैसा आ रहा है। इतना ठीक है, सही है, इसमें आइकन्स वगैरह भी आ जाएंगे। हम इधर आकर पहले तो स्क्रीन चेक करते हैं, पूरी शो पे करते हैं, ठीक है। इधर हम इसको करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, करके आ रहा हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये कॉलम में आ गया। अभी सबसे पहले इस H3 को इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। फॉन्ट, सॉरी क्लास तो लगाई नहीं है, फॉन्ट इसका क्या होगा, बोल्ड होगा सही है। और फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, H2 करें तो खैर टेलवेंट के अंदर H2 H1 सब एक जैसे ही होते हैं, सही है ना। तो टेक्स्ट मुझे 2XL करना पड़ेगा, 24 पिक्सल ज़्यादा बड़ा हो रहा है, एक्सेल करते हैं, आई थिंक ठीक है। और सब होता सब करते हैं सब अच्छा। टेक्स्ट इसका क्या करेंगे, टेक्स्ट को छोटा करना था ना, SM स्मॉल सही लग रहा है। पूरी बॉडी के टेक्स्ट का कलर तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही आ रहा है, क्या हाल है, अल्लाह का शुक्र है ब्लैक आ रहा है, हैं अभी देंगे ना, अभी हम देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। इधर देख रहे हो ग्रे कलर हो रहा है, और ये ग्रे कलर कौन सा वाला है, ये वाला जो अभी इन लोगों ने करवाया हुआ है, ये वाला ग्रे कलर किया हुआ है। इस पर आते हैं, पता नहीं ये किया हुआ है, ये वाला ही किया हुआ है। इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इधर आते हैं, इसका जो टेक्स्ट है इधर आए पेस्ट कर दिया, हो गया। वो तो नज़र ही नहीं आ रहा, डार्क काला था वो। इधर आते हैं, ये डार्क वाला था, ये वाला उठा लेते हैं जी, ये पेस्ट कर दिया इसको। अबे भाई कौन सा कलर है, इसके बराबर आला था एक भाई, आओ भाई आते हाथ देख के सही कर दो बस, क्या उसको बाद में क्या देख लेंगे। सही है अच्छा। अभी हमें यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा, इसके अंदर आने के बाद नीचे से कुछ फेसबुक वगैरह के आइकन्स चाहिए होंगे, वो नेट से उठा लेते हैं। थोड़ा देखो यहाँ पर स्पेस वगैरह भी आ रही है, स्पेस ऐड करना है मुझे, मार्जिन टॉप से दे दूँगा, मार्जिन टॉप से 12 पिक्सल कहाँ गया, ये रहा, थोड़ा स्पेस आ गया। इमेजेस का साइज़ तो यही सेम रहेगा, ठीक है, इमेजेस को छोटा बड़ा नहीं करेंगे। और इसके अंदर मुझे आइकन लगाने पड़ेंगे और इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। ये कुछ काम हमें मिल गए, इसको आके सबसे पहले 64 की जगह पे 68 करना पड़ेगा। अच्छा 68 की कोई क्लास ही नहीं है यहाँ पर इत्तेफाक से, नहीं अभी मतलब 64 आ रहा था, 64 का मतलब क्या था, कितना आ रहा था, 256 256 आ रहा है ना। एक काम करते हैं 70 से रिलेटेड क्लास देखते हैं, 72 में, हाँ अभी सही है, अब इसमें ऐड करेंगे तो सेट हो जाएगा वो। हमें आइकन्स के पास जाना पड़ेगा,
अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो है ना बहुत सारे वैसे तो आइकन्स होते हैं, फ़ोन टोसम भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम चलो फ़ोन टोसम ही लगा लेते हैं क्योंकि वो आप लोगों को आते हैं, वरना आइकन्स तो और भी बहुत सारी कंपनीज के हैं। इसको कॉपी करा, कॉपी करके फ़ॉन्ट ओसम, आइकन ये यहाँ पर आगे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इधर हमें कौन कौन सा आइकन लगाने पड़ेंगे और वो भी एक डिव में डालना पड़ेगा ताकि उसको जब फ्लेक्स करें तो सारे सीधे हो जाएं। एक डिव बनाया और इसके अंदर आकर आई का टैग लेते हैं, क्लास लगा लेते हैं एफ ए ब्रांड और एफ ए फेसबुक। चेक करते हैं आ रहा आइकन। ठीक है, आइकन्स तो आ रहा हमारे पास, हमें मल्टीपल्स आइकन्स चाहिए होंगे। यहाँ पे कौन सा चाहिए होगा? इंस्टाग्राम का। ट्विटर भाई, व्हाट्सएप का कोई आइकन नहीं होता भाई, ये ट्विटर हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से चाहिए? चार पांच ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं। यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन लिंक्डइन सही है, ये सारे आइकन्स आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे पहले इसको थोड़ा सेट करते हैं। मुझे एक चीज़ में मसला लग रहा है, आप ये आइकन देख रहे हो, ये बैकग्राउंड कलर मुझे इस पर करना पड़ेगा और गोल करना पड़ेगा इसको। तो सब आइकन्स के अंदर सबसे पहले हम मल्टीपल क्लासेस का यूज़ करेंगे, सबकी सेम स्टाइलिंग करने वाले हैं। ठीक है ना, इधर आके मैं बीजी कलर और बीजी के अंदर कस्टम कलर करने वाला हूँ, और ये येलो कलर होगा, येलो के ऊपर आते हैं ये वाला। ठीक है, इस पर कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इधर आए, ये कलर हमने इसके अंदर लाके हैश लगा के पेस्ट कर दिया। सही है, सबका बैकग्राउंड में ये कलर होगा और राउंडेड क्या होंगे? फुल होंगे। राउंडेड फुल का मतलब है पूरा गोल आ रहा होगा। सही है ना, ये आ रहा है कुछ ऐसा नज़र। इसके अंदर पेडिंग लगानी पड़ेगी, हमने वाला पेडिंग लगा दो, वन यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 8 पिक्सल की पेडिंग लगाते हैं, देखते हैं कैसा आ रहा है। वन करना पड़ेगा, तो वन का मतलब है चार आ रहा होगा चारों तरफ से। फ़ॉन्ट साइज़ इनका छोटा कर लेंगे आइकन्स का। सही है, तो टेक्स्ट इसका एसएम कर देंगे स्मॉल, और छोटा कर दें एक्सेस करके चेक करते हैं। एक मिनट, सही है। अच्छा, अभी इसको एक काम करते हैं, मार्जिन टॉप से दे देते हैं, क्लास लगाई 2 लगा देते हैं 8 पिक्सल। सही है, इसमें किसी का कोई सवाल है? हाँ भाई, सब क्लियर है। अच्छा, ये जो बॉर्डर आ रहा है ना, ये चारों तरफ से आ रहा है, मुझे सिर्फ बॉटम वाली साइड से देना है। ठीक है, तो हम जो बॉर्डर लगा रहे थे इसको लगा देंगे बॉर्डर बॉटम, और बॉर्डर बॉटम जब ही काम करेगा जब हम बॉर्डर लगाएंगे। एक मिनट, एक काम करते हैं, बॉर्डर बॉटम आ रहा है अभी, ऐसे इस जगह से ही आ रहा है। इसकी विड्थ भी हम सेट कर सकते हैं मेरे ख्याल में, तो इसकी विड्थ वगैरह खैर अभी छोड़ देते हैं। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं? तकरीबन मेरे हिसाब से तो ये पूरा रेडी है ऊपर आला, तो इसमें कोई मिस्टेक तो नज़र नहीं आ रही। एक चीज़ की है इसमें नहीं, आइकन्स में एक तो गेप भी है, फिर ये देख रहे हो ये बॉर्डर कम आ रहा है, मतलब लेफ्ट राइट से यहाँ पर स्पेस आ रहा है, तो ये हमारे पास इसको थोड़ा सा मसला है, इसको सॉल्व करते हैं इसको। ये हम चाह रहे हैं थोड़ा सा कम आए, तो इसके लिए तो हम पेडिंग लगा देंगे, आइकन्स में गेप लगा देंगे, हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर आता है आइकन्स वाले के ऊपर, फ्लेक्स लगाया, गेप लगा दिया 8-8 पिक्सल का सबके अंदर। ठीक है, और जो पूरा ये आ रहा है ना, ये हमारा पूरा डिव था अंदर वाला। सही है, ये अंदर वाला डिव था, इसमें आगे पेडिंग लगा देंगे इन लाइन। पेडिंग लेफ्ट राइट से लगाने के लिए पेडिंग एक्स का यूज़ करते हैं, बात पता है ना, हम 2 लगा लेंगे 8 पिक्सल।
क्या बात है, काम नहीं करेगा क्या? नहीं, पेडिंग एक्स, लेफ्ट राइट की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो, इस पर होवर करूँगा ना, बताएगा लेफ्ट और राइट से 8 पिक्सल की लगकर आएगी। ज़्यादा दे के चेक करते हैं, और 2 की जगह अगर 5 करूँ, काम कर रहा है नहीं कर रहा है? हम कहीं और तो नहीं लगा रहे हैं इसको छोड़ के? अच्छा, इसको एक काम करते हैं, यहाँ से कट करा इधर डाल देते हैं, हम गलत जगह ही लगा रहे थे। हो गया, हम लगाए गलत जगह रहते, तो इसको 5 कर देते हैं। सही है, कोई सवाल है किसी का? हाँ भाई, सब क्लियर है, सारे चीते बन गए एक दफ़ा में देख कर। सही है, अभी सबसे पहले इससे नीचे वाला कंटेंट रेडी करते हैं, ये वाला, ठीक है? इसके अंदर बैकग्राउंड कलर और रेज वगैरह होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 डिब हैं, सही है? इन्होंने चारों पर फ्लेक्स लगा के स्पेस बिटवीन करा हुआ है, तो आसान काम है। पहले तो ये डिब लेते हैं, इसको बंद करते हैं, इस वाले डिब को, एक डिब लेते हैं, इसका एक नाम रख लेते हैं, ताकि हमें जो है ना, खुद को भी एक आइडिया रहे कि हम कौन सा काम क्यों कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, डिटेल्स, ताकि कल को अभी ढूंढना पड़े ना, तो हमें ही मसला हो जाएगा ढूंढते ढूंढते। यहाँ भी स्पेस दे देते हैं, और एक कमेंट यहाँ पे डाल देते हैं, प्रोफाइल डिटेल के अंदर आकर मैं यहाँ पर डिव लूँगा, एज हो गया, रेजिडेंस हो गया, स्पेन इसमें लिख देंगे एज, और यहाँ वाले स्पेन में क्या आ जाएगा, एज आ जाएगी। इसी का डुप्लीकेट करते हैं, इधर आ जाएगा बी डी। अच्छा जी, रेजिडेंस, अच्छा, इसके अलावा फ्रीलांस अवेलेबल, अवेलेबल, इसके अलावा एड्रेस, एड्रेस दे देते हैं, कराची कर देते हैं। क्लियर है? इधर आके इसकी जो हाइट विड्थ होगी, हमें पहले तो सेट करनी पड़ेगी। मैंने एक क्लास लगाई, मैंने इसकी हाइट दी, ऊपर वाले की हाइट कितनी दी हुई थी? 72, 72 का मतलब है 288 पिक्सल। तो मुझे कम से कम भी इसकी जो है ना, 64 करके चेक करते हैं, और इसकी विड्थ को जो है फुल रखेंगे। विड्थ तो कह रहे ऑलरेडी फुल ही है, फ्लेक्स लगा देते हैं। फ्लेक्स लगाने, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, समझ आ रहा है ना कॉलम क्यों कर रहा हूँ मैं? या ऐसा आ रहा है, ठीक है? और इसके अंदर जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे, गलत जगह कर दिया, सॉरी, इसमें करना था। इसको कट करा, क्लास लगाई, फ्लेक्स बिटवीन, हो गया। इस वाले स्पेन के अंदर हमें एक और काम करना पड़ेगा, बैकग्राउंड वाला, क्लास बीजी, बीजी के अंदर स्लेश, आगे कलर कौन सा था भाई? आइकन्स के जो कलर दिए थे वो कलर चाहिए होंगे। इसको कॉपी किया, और इधर आके इसको पेस्ट कर दिया। सही है, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, और ऊपर से थोड़ा सा गेप वगैरह देना पड़ेगा। यहाँ पे कैसा आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। गेप लगाते हैं सबके अंदर 12 पिक्सल का, आ गया। और ऊपर से, अच्छा, स्पेस थोड़ा कम करके ऊपर से हमें वो करना पड़ेगा, थोड़ा टॉप से नीचे करना पड़ेगा। इसको मार्जिन टॉप से 16 पिक्सल, और स्पेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा।
टेक्स्ट एमडी, एमडी का मतलब क्या है, 14 पिक्सल, सही है, मीडियम होगा। एसएम करके चेक करते हैं, सही है। हाँ भाई कोई सवाल है, सब क्लियर है, हार्ड है इजी है? टाइम लगेगा नहीं, ये तो सिखाने में टाइम लग रहा है, आप खुद से करने बैठोगे ना तो फिर तो कुछ ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगेगा भाई। क्या भाई क्या बोलूँ मैं। टेक्स्ट इसको ग्रीन का 500 कर लेते हैं, वो अवेलेबल भी हो गया, ठीक है। इसके नीचे वाला एरिया रेडी करते हैं, और बॉर्डर वाला जो हमने काम किया था ना, बॉर्डर बॉटम, वो इस पर भी लगाना पड़ेगा, बॉर्डर बॉटम, कुछ ज़्यादा स्पेस आ गया था तो इसकी हाइट को छोटा छोटा करना पड़ेगा। 64 है ना, 44, कोई क्लास ए भी नहीं है, हैगी 36 जी। हाँ पेडिंग सब में लगी हुई है ना, वो पूरे में ही लगा दी ना वो मैंने, थोड़ा इससे कम करते हैं, 32, ठीक है। अब इसके ये वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भी आके काम कर लेते हैं, ठीक है ना। इधर के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दो डिव लेने पड़ेंगे, एक लेफ्ट एक राइट के लिए, ये तो पुराने काम है, ये भी आराम से हो जाएगा, इधर आके कंटेंट भर देंगे, ठीक है। पहले तो इसको बंद करते हैं, और ये जो हमने जो लेफ़्ट वाला जो काम किया हुआ था ना पूरा, इसी को ही बंद करना पड़ेगा, याद है हमने 3 डिव बनाए थे, ये वाला पूरा डिव बंद कर देंगे, नहीं ये तो पूरा कंटेनर है, सॉरी ये वाला जो हमारा लेफ़्ट साइड पर था, ये वाला हमने पूरा डिव बंद कर दिया। इधर आके अब आते हैं मिड वाले के ऊपर, जो हमारा मीडियम वाला था, इसके अंदर दो डिव बनाएंगे, इधर कंटेंट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी, इमेज इसके अंदर आकर योर इमेज, इसके अलावा इधर कंटेंट के अंदर आकर H1, और H1 के अंदर कंटेंट उठाना है, इसका कॉपी किया पेस्ट कर दिया, अच्छा एक चीज़ नोट करो, नहीं मत करो नोट, मैंने जो नोट करा था वो काम ऐसा था नहीं, अच्छा यहाँ पर पी लगा के पूरा कंटेंट उठाया, कंट्रोल वी करा, एक बटन चाहिए, बटन में क्या लिखा हुआ, हायर मी, या हायर मी का हो गया, इसमें और कोई तो ऐसी चीज़ नहीं है, सही है। इधर आइकन लगाना था, आइकन हम देख लेंगे, आई लगा देते हैं, आई के अंदर क्लास एफ ए सॉलिड, एफ ए एरो लगेगा राइट, कहाँ गया, आ गया राइट एरो के साथ। अभी हमें यहाँ पर करना ही पड़ेगा, सबसे पहले इसको फ्लेक्स करना पड़ेगा, फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन कर लेते हैं, समझ आ रहा है अब्दुल्ला, ये बिटवीन हो गया, अच्छा इस वाले की जो कंटेंट वाले की विड्थ है ना, वो हमसे कम, हमें कम से कम भी 70% रखनी पड़ेगी, उस साइड वाले की 30 रखनी पड़ेगी, बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले इसकी एक विड्थ डिफाइन कर देते हैं, 70% इस वाले की, आपको समझ आ रहा है बिस्मा, 30% इनकी जो हाइट होगी ना, उसको सबसे पहले, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको हमने कितना दिया हुआ था 100 VH, लेकिन अब 100 इस VH नहीं देंगे, इसको हमें हाथ से सेट करना पड़ेगा, कम से कम भी जो है ना 96 पे देखते हैं कितना आ रहा है, आई थिंक ठीक है, अभी चेक करते हैं, सही है, देख रहे हो अवेलेबल के यहाँ तक आ रहा है ये हमारे पास भी, मैंने परफेक्ट लगाया है, इसका मतलब है अच्छा डेवलपर बन गया मैं भी, तो अंदाज़ा अच्छे दे रहा हूँ, अच्छा भाई सही है। इधर आकर फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम तो ज़रूरी है, आइटम सेंटर ज़रूरी है, जस्टिफाई सेंटर ज़रूरी है,
सेंटर हो गया। अच्छा जस्टिफाई मुझे नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे ऐसे सेंटर में आ रहा है। और दूसरी चीज़ मुझे पेडिंग देनी पड़ेगी, इस वाले पूरे बॉक्स के अंदर पेडिंग आ जाएगी लेफ़्ट राइट से, कम से कम भी जो है ना 50 तो हो, अब इतना आ रहा है और देनी पड़ेगी। 16 कर देते हैं, 64 पिक्सल अब सही है। अच्छा मैंने जो जस्टिफाई सेंटर लगाया ना उसको हटाना पड़ेगा, सॉरी आइटम सेंटर को हटाना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स करा, सही है आइटम सेंटर को हमने हटा दिया, वो वहीं से चलना स्टार्ट हो। और बटन पता है क्यों चलना स्टार्ट नहीं हो रहा, बटन में मसला है, बटन भी पूरी विड्थ ले रहा है भाई। इस बात का कैसे पता चल रहा है, मैं बटन के ऊपर आके देखो बैकग्राउंड कलर करूँगा ना अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने लगाया क्लास, बटन जो है पूरी विड्थ ले रहा है, गारंटी है इस बात की, मानते नहीं हो आप लोग। अच्छा पता था, क्या बात है यार, ये बच्चा चीता हो गया। अभी एक काम करते हैं, पहले तो बीजी उस कलर का नाम क्या था, हेश, हमने येलो वाला जो कॉपी करा था तो मुझे ये पता है एफ करके ही होगा, आ गया कोड बताओ ना, सही है। इधर आते हैं, इधर इसको पेस्ट करते हैं, एफ एफ बी 400 याद रख लो बस, आगे ज़रूरत पड़ेगी एफ एफ बी 400 सही है। अभी इधर आते हैं, इसको थोड़ा सेट करते हैं बटन को, हमने बोला इसकी जो विड्थ होगी ना ज़्यादा से ज़्यादा बस 44 पिक्सल होगी, ज़्यादा हो गई है, 20 करते हैं, 20 से और बढ़ाते हैं 24, और थोड़ी सी पेडिंग लगा देंगे खुद ही सेट हो जाएगा। पेडिंग लेफ़्ट राइट से मैंने बोला दो दो, अभी सही है। बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, राउंडेड लगाते हैं इसके अंदर, राउंडेड एम डी का मतलब है 6 पिक्सल का, सही है। और इसका कलर अंदर का वाइट होगा, कौन सा है, ब्लैक है, ब्लैक। और अच्छा लेफ़्ट राइट से ज़्यादा है, टॉप बॉटम से कम है इसमें, देख रहे हो। हम एक काम करेंगे, पेडिंग एक्स से लगाते हैं 3 और पेडिंग वाई से लगा देते हैं 1, परफेक्ट काम हो जाएगा। क्या लगा दिया, अच्छा नहीं नहीं वो विड्थ की वजह, विड्थ का मसला आ रहा है, विड्थ से सेट हो जाएगा, हो गया ना। बस अभी इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, जो मेरे पास H1 आ रहा है ना इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, टेक्स्ट 5XL सही है, फॉन्ट बोल्ड, एक काम करते हैं और ज़्यादा बोल्ड करना पड़ेगा, बोल्डर बोल्डी क्या भाई, क्या ब्लैक का मतलब है 900, चेक करते हैं, हाँ यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, वही देख रहा हूँ, बोल्ड वाला ठीक है, और फ्रंट एंड का कलर येलो हो रहा है, सही है, इसको बोल्ड कर देते हैं, और फ्रंट एंड जो आ रहा है स्पेन में रखते हैं इसको, सिर्फ फ्रंट एंड ही है, फ्रंट एंड डिवेलपर है, पूरा नहीं है। यहाँ पर आके टेक्स्ट इसका क्या नाम था उसका कलर का, FFB, वो तो सब चल जाएगा, वो तो मसला नहीं है। ओ भाई उल्टा तो नहीं बता दिया, अच्छा सही बताया, आ गया, क्या बात है यार, क्या बात है, पूरा परफेक्ट बन गया है तो सही है। इधर आते हैं, इसका कलर है ग्रे, ठीक है ग्रे तो हम कर लेंगे, ऐसे कर देंगे, उठा लेते हैं, बुरा मान जाएगा ये, ऐसा नहीं उसको एतराज़ हो फिर। हाँ आप क्या बोल रहे थे अब्दुल्ला, ओवरफ्लो कहीं से कर रहा है क्या, ए हाँ उसको सेट करते हैं ना, हाँ उसको तो कर लेते हैं, टेक्स्ट डॉलर, ये बुरा नहीं माने इसलिए करा है, और ये यहाँ पर आकर टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, SM छोटा करना है ना, बड़ा नहीं करना ना, थोड़ा स्पेस दे देंगे। अच्छा जो चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ आप लोग कर रहे हो क्या, गैप नहीं, वो तो क्या होता होता आएगा ही आएगा, सब्र करो मैं बताता हूँ, पहले स्पेस आ जाए, सही है। मैं ये नोट कर रहा था कि इनके पास जो है ना
विर्ड इन्होंने जो है ना कम ली हुई है, देख रहे हो 3 लाइनों में कंटेंट आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 1 लाइन में, जिसकी वजह से वो थोड़ा हमारा वाला अजीब सा लग रहा है। तो हमें इसका मतलब है विड्थ को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा भाई, अभी सब्र करो ना। 50 करके चेक करते हैं वो, फिर वो उसका फ़ोन साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे, चेक कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट करने में क्या जा रहा है। सही है, सही है, और क्या सही नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसको 60 कर लेते हैं, और ये इसको 5XL करते हैं। आप सही है, बस सही है, कोई इतना अच्छा। इमेज को थोड़ा सेट कर लेते हैं, क्लास हाइट इसकी कितनी होगी, ये इसकी जो हाइट होगी फुल होगी, फुल का मतलब है पूरा 100%, ठीक है। यह हाइट भी आ गई इसकी, विड्थ तो तकरीबन ठीक है, कोई ज़्यादा बुरी नहीं है, सही है। इमेज फिर हमारे पास यार एक ही ऑप्शन है, फिर इसको हम बिटवीन की जगह फिर अराउंड कर लेंगे तो सेट हो जाएगा। फिर ये मैं करके दिखा देता हूँ, स्पेस अराउंड, फिर लेफ्ट राइट से पेडिंग हटा दो, फिर हमने पेडिंग लगाई हुई थी ना उसको हटाना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। एक मिनट, कंट्रोल वी, वो फिर कर लेना, वो ज़्यादा फिर लंबाई हो जाएगी। हाँ एक मिनट, एक काम ये करते हैं, इधर से हमारे पास इमेज को इस जगह पे करना पड़ेगा, इधर स्पेस अराउंड करा हुआ है ना, फिर इसको क्या करूँ मैं, ये सोच रहा हूँ मैं भी। फ्लेक्स, एक मिनट, आइटम स्टार्ट कर लेते हैं, आइटम स्टार्ट, नहीं आप क्या बोल रहे थे, एक मिनट पहले बॉर्डर तो लगाऊं, पहले मुझे पता चल जाए ना कि आ कितना बड़ा रहा है मुझे। हाँ उसको वहाँ से पेडिंग दे देते ना, लेफ्ट राइट से पेडिंग और दे देता ना, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, क्या क्या बढ़ा दिया, गलत जगह दे दी इसकी, इससे क्या होगा। अरे वाह यार, ये बंदा चीता बन गया यार, ये बंदा मुझे नहीं पता था कोयले के कान में हीरा छुपा हुआ है, हैं कभी भी ढूंढ रहे हैं इसको, ढूंढ रहे हैं भाई इसको, ढूंढ रहे हैं। अच्छा अभी हमें जो है ना ये वाला रेडी करना पड़ेगा, सही है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्लेक्स लगा के फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये तो 5 मिनट 10 मिनट का काम है, सारे आइकन्स हैं, बस बस भाई बस बस क्या कर रहे हो। आइकन्स के अंदर आकर ये 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 वाले आइकन चाहिए होंगे सारे जितने भी आ रहे हैं, ये बड़ा क्यों आ रहा है, बिलेट मारो, ये वाला भी बड़ा आ रहा है, दूसरे बुरा मान जाएंगे, मसला ये है ना, ये भी बड़ा आ रहा है, हाँ हाँ छोटे बड़े आ रहे हैं, सही है। और अभी डाउनलोड के अंदर एक और आइकन भी रखा हुआ है ना हमारा, कहाँ ये रहा, कट करा, थोड़ा सा बोरियत वाला काम लग रहा होगा, लग तो नहीं रहा, ये रहा इसको कट करा, बाहर लाके पेस्ट करा, बस सही है, छोटा कर देंगे इसको, इसको अभी लाइव इसको बंद करते हैं। अब आते हैं राइट वाले के ऊपर, इसके अंदर आकर सारी इमेजेस ही इमेजेस हैं, पहले एक डिव बनाते हैं और इसके अंदर एक इमेज आएगी जो ऊपर वो जो आइकन आएगा ना उसके लिए आएगी है, आइकन्स में जाते हैं और उस इमेज का नाम क्या है, ये गोल वाली का वेक्टर, वेक्टर आइकन, वेक्टर, सही है। बाकी एक ये डिव होगा जो उससे नीचे करके आएंगे सारे, ये इसके अंदर भी सारी इमेजेस होंगी,
एक एक करके सारी लाइन से लगा देते हैं बस। इमेजेस आइकन भाई इनका नाम याद रख लो, ये वाली नहीं लग जाए। कोडिंग, गेम डेवलपमेंट, माइक्रोफोन, फोटोग्राफ, बस सही है। डुप्लीकेट करा, कोडिंग छोड़ के, कॉन्टैक्ट छोड़कर, गेम डेवलपमेंट छोड़कर, होम, होम ऊपर आ जाएगा। स्लेश पोर्टफोलियो सर्विसेज, और कौन सा था, यही है। चलो चेक करते हैं, आ गए, क्या बात है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और जस्टिफाई वगैरह इस पर लगाते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस पर हम क्लास लगाएंगे इसके पेरेंट पर। स्क्रीन लगी हुई है, फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई। अच्छा एक मसला आएगा, पहले तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं इसको, तो उसके बाद हम करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, सही है। और अब करते हैं इसको जस्टिफाई अराउंड, बिटवीन करना पड़ेगा, बिटवीन, सही है। और इसको लेफ्ट राइट से हम पेडिंग लगा देंगे, इसको क्लास लगाकर इसकी एक हाइट डिफाइन कर देते हैं। यह हाइट लेगा ऊपर वाले की कम से कम भी 30%, बकाया नीचे वाले को दे देते हैं 70। हाइट 70%, और इनके अंदर आकर लगा लेंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। यह वाली सेम टू सेम क्लासेस को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करा, इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर लेंगे, फ्लेक्स कॉल, सही है। और इसके अंदर गेप लगा देंगे माइनस 40-40 पिक्सल का, सही है, परफेक्ट है, किसी को एतराज़ तो नहीं है, आइकन से एतराज़ है। अच्छा बैकग्राउंड के अंदर देख रहे हो, वो तो बाद में येलो येलो करते रहेंगे, बैकग्राउंड में एक कलर आ रहा है। पहले तो एक काम करते हैं, इस पर क्लास लगाते हैं बीजी, हम वाला कलर करेंगे येलो वाला, उसको ग्रे छोड़ दो। क्या नाम था, FFB 400, हो रहा है। पेडिंग लगा देंगे इसमें,